नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में बात करेंगे एक रियल स्टोरी के बारे में, कैसे एक व्यक्ति के ग्रैंडफादर ने मात्र 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और जब वो अपने ओल्ड एज में अपने ग्रैंडसन को शेयर सर्टिफिकेट दिया तो 20,000 शेयर थे MRF के और वो 20,000 शेयर पर 160 करोड़ का रिटर्न उन्होंने प्राप्त किया। इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से इसमें हम जानेंगे कि कैसे MRF में इतना बड़ा रिटर्न प्राप्त हुआ, जबकि उस MRF में ना तो कोई बोनस शेयर प्राप्त हुआ ना तो कोई स्टॉक स्प्लिट, फिर भी करीब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पे उन्हें 160 करोड़ का रिटर्न प्राप्त हुआ मात्र 30 साल में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखने वाले हैं MRF के शेयर के। ये है रवि जी, जो कि दिल्ली से थे। इनका वीडियो काफी वायरल हुआ था। ये इनके जो ग्रैंडफादर थे 1990 में 20,000 शेयर बाय किए थे MRF के। उस समय फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कि 2019 में उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाया। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1993 में MRF का शेयर जो 11 रुपया था, 1990 में शेयर का प्राइस जो है उतना ओल्ड डाटा उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित है कि 11 रुपया से भी कम शेयर प्राइस वहाँ पर रहा होगा या हो सकता है ज़्यादा भी रहा हो, लेकिन जो भी था वहाँ पर लगभग 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा होगा या हो सकता है कि उससे भी कम लगा हो। 1990 जो है इसका इनिशियल स्टार्टिंग हो गया इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे इनके ग्रैंडफादर ने 20,000 शेयर बाय किए थे। फेस वैल्यू 10 था और अभी भी फेस वैल्यू 10 है। ना तो इसमें कोई बोनस आया ना तो कोई स्टॉक स्प्लिट आया इस शेयर में, और इसलिए ये शेयर काफ़ी महंगे प्राइस पे है। अभी भी 80,000 रुपये से ऊपर शेयर प्राइस है, जबकि 98,599 रुपीज का ये शेयर हाई लगा चुका है। 27 अप्रैल 1993 शेयर प्राइस 11 रुपीज था। उसी समय से हम कैलकुलेट करते हैं तो उस समय टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता 2,20,000 होता, तो 1990 3 साल पहले निश्चित है शेयर प्राइस कुछ ना कुछ कम रहा होगा। तो लगभग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, जो कि चेंज कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया ही नहीं इस शेयर में, ना तो बोनस ना तो स्टॉक स्प्लिट, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वही कांस्टेंट रहा 20,000 शेयर। तो अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 2,20,000 1990 में इन्वेस्ट किया गया, तो इतने बड़े अमाउंट तो उनके पास थे तो इन्वेस्ट किया। जो छोटे लोग हैं तो छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ 20,000 शेयर को अभी करेंट प्राइस जो है 81,370 रुपये है, उससे मल्टीप्लाई करें तो आता है 162 करोड़ 74 लाख, इतना आता है। मतलब 162 करोड़ रफली मान के चलते हैं, इतना उनका रिटर्न हो गया। अगर यही पीक पे बात करें, जो मैक्सिमम प्राइस था इस MRF का वो 98,000 तक गया था, 599 तक, यहाँ पर इनका रिटर्न हो जाता 197 करोड़, मतलब लगभग 200 करोड़। जो उनका इन्वेस्टमेंट था मात्र 2 लाख का था और वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है यहाँ पर 200 करोड़ मैक्सिमम तक गया। तो ये पॉसिबल हुआ कहाँ से, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने से। अगर हम MRF की जर्नी देखें तो शेयर प्राइस में काफी उतार चढ़ाव देखने मिला, जो कि हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, और इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उन्हें अर्ली जो डिविडेंड प्राप्त होता है 10 लाख रुपीज का अर्ली डिविडेंड प्राप्त होता है, जबकि डिविडेंड यील्ड इसका मात्र 0.0065% है, इतना कम डिविडेंड यील्ड है। अगर समझिए इतना ही इन्वेस्टमेंट अगर विप्रो में या इन्फोसिस में क्या होता, जहाँ पर डिविडेंड यील्ड 1%, इन्फोसिस का 1% से 2% तक है, तो कितना ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त होता और रिटर्न तो काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर यही विप्रो इन्फोसिस में इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया रहता तो और काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट वहाँ पर क्रिएट हो जाता, साथ ही साथ उन्हें काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी प्राप्त होता। लेकिन MRF में भी उन्हें जो डिविडेंड मिल गया होगा 3 करोड़ प्लस का डिविडेंड अभी तक उन्हें MRF में मिल गया होगा। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जर्नी। अब MRF का हम आपको शेयर प्राइस का जो चार्ट दिखाते हैं किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ। ये MRF का लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर देखिए 1993 में इसका शेयर प्राइस जो है 27 अप्रैल 1993 को मात्र 11 रुपये का था, और यहाँ से देखिए काफ़ी मतलब शेयर प्राइस यहाँ ऊपर गया था। लगभग ये 11 रुपये का 1993 में जो शेयर था, ये लगभग से पहले मतलब 1999 तक में लगभग ये 2,000 रुपीज़ तक जा चुका था। वहाँ से फिर से गिर करके ये जो शेयर प्राइस है वो लगभग 400 आ चुका था। 400 से देखते हैं फिर से बढ़कर यहाँ काफ़ी लगभग 10,000 के पास गया था, और वहाँ से गिर करके फिर से ये 2,000 के पास आया था, और वहाँ से देखते हैं फिर से जर्नी ये तय किया, लगभग 80,000 रुपये का हाई बनाया और 80,000 रुपये से नीचे गिर करके ये 54,000 तक आ चुका था। देखते हैं नीचे गिर करके 54,000, और फिर से यहाँ से 1 लाख रुपीज के करीब ये टच कर चुका था। इस तरह से शेयर प्राइस जो है काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है। इस फ्लैक्चुएशन में आपको अपना जो पेशेंस लेवल है अच्छे कंपनियों के साथ बना के रखना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह का
जो वेल्थ है वो क्रिएट करने के लिए मौका मिलेगा स्टॉक मार्केट में। इसी पे आधारित हम एक अगला वीडियो भी बनाएंगे कि नो गेन विदाउट पेन, मतलब बिना जो है पेन का आपको कोई भी गेन स्टॉक मार्केट में प्राप्त नहीं हो सकता है। जब पैनिक सिचुएशन होगा उसमें अपने मतलब पेन को सहना पड़ेगा, अच्छी कंपनियों के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस तरह का वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस यही था, किसी स्टॉक में अगर आपको बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट नहीं मिलता, अच्छा खासा डिविडेंड नहीं मिलता, फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ मिलता है तो बने रहना है। थोड़ा सा कंपनी में के शेयर में उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, लेकिन उसके साथ बने रहना। अगर कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रही है, उसके फाइनेंशियल में कोई परमानेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब तक डिस्टर्बेंस नहीं उत्पन्न होती है, तो हमें उस स्टॉक के साथ बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए।